आए दिन पार्किंग में खड़े ही रखे दुपहिया वाहनों से बड़े पैमाने पर पेट्रोल निकाल कर बेचने की घटना हो रही है। ठीक ऐसी एक घटना मानकापुर पुलिस थाने के अंतर्गत हुई है। मानकापुर पुलिस ने ट्रैप लगाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं। आए दिन शहर के लोग जब अपने काम के लिए बड़े वाहन से बाहर जाते हैं तब वे पार्किंग में अपनी दुपहिया वाहन लगाकर चले जाते हैं, चाहे एसटी बस स्टैंड हो या कोई सरकारी निम्न सरकारी कार्यालय हो। अक्सर लोग पार्किंग में अपने वाहन रखते हैं, लेकिन जब वे अपने काम से वापस लौट कर आते हैं तो कई लोगों के वाहन से पेट्रोल गायब दिखता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना मानकापुर पुलिस थाने के क्षेत्र में हुई है, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रेकी करके कुछ युवक पार्किंग में लगे वाहनों से पेट्रोल चुरा लेते थे और बेचकर जो भी पैसे आते थे उसे आपस में बांट लेते थे। इस घटना की शिकायत लोगों ने मानकापुर पुलिस थाने में की, जिसके चलते मानकापुर पुलिस ने रात में ट्रैप लगाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी में ऋषभ परवाड़े, सूरज कुहिकर, पीयूष कांबड़े, सुजल साखरे, शुभम सोमकुवर आदि बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी ठिये पर कुली और पानी की कैन बेचने का काम करते थे। कोई 10वीं पास, कोई 10वीं नापास है तो कोई बीए फर्स्ट ईयर तक के पढ़ाई की है। मानकापुर पुलिस 5 आरोपियों को कोर्ट के सामने में पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं। इस घटना के फुटेज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे रेकी की जा रही है। इस घटना के बारे में मानकापुर पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। बाइट वैजयंती मांडवधरे वरिष्ठ पीआई। यदि इस तरह की घटना हो रही है तो यह एक चिंता का विषय है। इस ओर शासन प्रशासन ने युवाओं को सक्षम रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तब कहीं जाकर ऐसी घटना में अंकुश लग सकता है, वरना तारीख पे तारीख जैसा काम होगा। आज गिरफ्तार तो कल फिर आरोपी छूटेंगे और फिर से इसी प्रकार की घटना होती रहेगी। इस ओर शासन प्रशासन जरूर ध्यान दे तथा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निर्माण करे, यही समय की मांग है। मानकापुर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज नागपुर। रात्रीच्या वेळी जे पेट्रोल गाड्या उभ्या करून ठेवतो पार्किंग मध्ये, आपण त्या गाड्यांमधून पेट्रोल चोरी घेतो। जेव्हा लोक ड्युटीवर जायला किंवा बाहेर पडायला निघतात तेव्हा त्यांना ते गाडीमध्ये पेट्रोल संपलेलं आढळतं। अशा तक्रारी मिळून आम्ही सीसीटीव्ही त्या एरियातले कॅमेरे चेक केले। कॅमेऱ्यामध्ये काही फुटेजमध्ये काही पोरं अशा प्रकारचे कृत्य करताना दिसून आले। त्यांना त्यांची ओळख पटवून आणि ट्रॅप लावून त्या मुलांना, एकूण त्यांची जी टोळी होती पेट्रोल घेणारी, काढणारी आणि विकणारी, त्या 5 मुलांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्या अटक आरोपीचे नाव आहे ऋषभ करवाडे, वय 18, सूरज माणिक कुईकर, तिसरा आहे पीयूष कांबळे, सुजल उर्फ रोहित महेश साखरे, याचं वय 19 आहे, आणि शुभम अशोक सोमकुवर, वय 22, असे 5 मुलांना या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली। सर्व हातमजुरी किंवा पाण्याची एक कॅन विकणारा एक मुलगा आहे आणि बाकीचे जे आहे तर ते 10वी फेल किंवा 10वी पास, एक फर्स्ट इयरला ॲडमिशन असे वेगवेगळे शिक्षण घेणारे आणि काहींनी शिक्षण सोडलेले पण याच्यामध्ये आहेत।